हाय, आई एम आर्यन। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सीखने जा रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है, नंबर वन, जबकि, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाइल। नंबर टू, कुछ समय के लिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फॉर ए वाइल। नंबर थ्री, कुछ समय पहले, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाइल एगो, वाइल एगो। नंबर फोर, सारा समय, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल द टाइम या ऑल द वाइल। नंबर फाइव, कभी कभार, वंस ए वाइल। नंबर सिक्स, थोड़ी समय से, इन ए लिटिल वाइल। नंबर सेवन, ज़्यादा से ज़्यादा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एटमोस्ट। नंबर एट, बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मच मोर। नंबर नाइन, बहुत कम, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मच लेस। नंबर टेन, लाभदायक नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉट ए वर्थ वाइल। नंबर एलेवन, थोड़ी देर में, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन ए वाइल। नंबर ट्वेल्व, मुझसे मिलना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मीट मी। नंबर थर्टीन, बिल्कुल नहीं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉट एट ऑल। नंबर फोर्टीन, मेरी बात सुनो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू मी। नंबर फिफ्टीन, कोई और, इसे इंग्लिश में बोलेंगे समवन एल्स। नंबर सिक्सटीन, कुछ और, इसे इंग्लिश में बोलेंगे समथिंग एल्स। नंबर सेवनटीन, वहीं के वहीं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे देन एंड देयर। नंबर 18, मुझे दिखाओ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे शो मी। नंबर 19, मुझे बोलने दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी स्पीक। नंबर 20, इसे एक फिर से करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू इट अगेन। इसे फिर से करो का इंग्लिश होगा डू इट अगेन। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।